भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसके चौथे दिन ही टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। इस मैच में भारत के दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। राणे की कप्तानी आज हर तरफ चर्चा में है। उन्होंने पहले दिन से ही ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें कंगारू खिलाड़ी बसते चले गए। इसके साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड राणे के नाम भी दर्ज हो गया। वहीं राणे ने जब जब टीम इंडिया की कमान संभाली है, तब तब भारतीय टीम को जीत मिली है। राणे ने इस बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि टीम के स्टार खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम से बाहर थे। इसके साथ ही टीम को पहले टेस्ट मैच जो कि एडिलेड में खेला गया, उसमें शर्मनाक हार मिली थी। टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी था, मगर इन सब मुसीबतों को खारिज करते हुए राणे ने मेलबर्न में टीम इंडिया को जीत दिलवाई। वहीं इसके साथ ही राणे ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम भी किया। राणे ने बॉक्सिंग डे टेस्ट पर जीत हासिल करने वाले विराट कोहली की बराबरी कर ली। इसी के साथ पहले तीन मैचों में कप्तानी करते हुए भारतीय टीम को टेस्ट में जीत दिलाने वाले कप्तान धोनी की बराबरी भी की। इस एक जीत के साथ ही राणे ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोहली दोनों की बराबरी कर ली। LD News की रिपोर्ट।